नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 4 और 7, 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1 और 2 के रेशियो के अनुपात में विभाजित करेंगे। देखिए, दो लाइन है, माफ कीजिए, एक लाइन है जिसके दो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2, 4, ठीक है, और 7, 9, राइट। इसको एक आंतरिक पॉइंट है, ठीक है, सी, जिसके जो कोऑर्डिनेट है एम और एन, ठीक है, वो इसको 1:2 में डिवाइड करते हैं। हमसे पूछा है एम और एन की वैल्यू बताइए। देखिए, एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम का फॉर्मूला होता है ये जो आगे वाला एक्स कोऑर्डिनेट है इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, और जो यहाँ पे 7 जो है यानी बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसकी 1 के साथ, ठीक है, यानी 2 की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ प्लस 7 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ। डिनोमिनेटर में ये जो रेशियो वाले दो डिजिट है यानी 1 प्लस 2 यानी 3, ठीक है, तो यहां से कितना आया, 4 और 7 11, 11/3, ठीक है। आप निकालेंगे एन, जिस तरह से हमने एक्स कोऑर्डिनेट लिए हैं अब आप वाई कोऑर्डिनेट ले लीजिए, यानी 4 की गुना 2 के साथ, 9 की गुना 1 के साथ, तो 4 की गुना 2 के साथ, 9 की गुना 1 के साथ, और डिनोमिनेटर में ये दोनों ही, ठीक है ना, तो ये कितने आ जाएंगे, 1 प्लस 2 यानी 3, ठीक है, तो यहां से कितना आया, 9 और 8 17, 17/3, राइट। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ गया, 11/3 और 17/3। अब ऑप्शन में देखिए 11/3 है, और यहाँ पे देखिए ये थोड़ी सी आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 17/3, ठीक है, तो 11/3 और 17/3 ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।